Stage of my life. Start with the 5 standard book. Start listening English. Start speaking English. अगर बोलने में शर्म आती है, अपने मोहल्ले के किसी 3-4 बच्चों को जो first second standard में, उनको उठाओ और उनके साथ बातें करो. उनको वैसे भी समझ में नहीं आ और अपने को वैसे भी पता है अपन क्या बोल रहे हैं. Getting my point? तो अगर वहां भी अगर ego बीच में आ रहा है, start doing like this. Start speaking. मैं 11th-12th में था, मुझे पता था मेरा English कैसा है, फिर भी I used to speak English. क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है. अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन मतलब जहां भी कोई भी बात करूंगा मैं वहां पे वो डायलॉग घुसाऊंगा. दिस एटीट्यूड शुड बी देयर. तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा. यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन. क्योंकि आज तक दुनिया यह मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया. आज भी दुनिया जब यह मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया. आज भी अगर दुनिया यह मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था. आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं. अगर आप यह मानते कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है. अगर आज तक दुनिया यह मानती थी कि हम सिर्फ धरती पर रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब. थैंक यू सो मच.